सिलेंडर तो करना ही नहीं है पहली बार। जो बीजेपी के दिमाग में होंगे वो सिलेंडर कर देंगे, वो कभी सिलेंडर नहीं करेंगे। जेल से ही सरकार चलेगी, जेल से ही सारी लड़ाई चलेगी। जिस तरीके से ये लोग बेबुनियाद इल्जाम हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी पे लगा रहे हैं, 4 तारीख को इसका नतीजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्होंने सिलेंडर किया है देश के लिए और देश की जनता के लिए, और आगे जो भी है हम सब सभी साथ देंगे उनका। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बताया जा रहा है कि गेट नंबर 1 से अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं तमाम यहाँ पे, और जो आम आदमी पार्टी के कुछ नेता भी मौजूद हैं यहाँ पे और जो उनके समर्थन में मौजूद है उनसे बातचीत करते हैं, और अरविंद केजरीवाल ने अभी आके सरेंडर कर दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो तानाशाही के खिलाफ तो लड़ते रहेंगे। आज पार्टी हेडक्वार्टर से आया, हमारी गाड़ियों को वहाँ रोक दिया गया था, साथ साथ चलने नहीं दिया गया, पर ये तानाशाही है। पुलिस का गाड़ियों को रोकने का मतलब नहीं बनता था, इतना काफिला था वहाँ और बैरियर लगा के गाड़ियों को रोक दिया, आने नहीं दिया। जब हमने वहाँ पे इस तानाशाही के खिलाफ पुलिस को बोला तो तब बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ तक आने दिया गया है। मतलब ये लोगों का ये कहना है कि जो उनके प्रशासन ने उनके साथ आने का मौका नहीं दिया है और तमाम उन लोगों को साइड कर दिया गया, काफी और तमाम यहाँ पे लोग मौजूद है उनके समर्थन में। बात करें अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने सरेंडर कर दिया, आगे सरकार कैसे चलेगी? सिलेंडर तो करना ही नहीं है पहली बार। जो बीजेपी के दिमाग में होंगे वो सिलेंडर कर देंगे, वो कभी सिलेंडर नहीं करेंगे। जेल से ही सरकार चलेगी, जेल से ही सारी लड़ाई चलेगी। अच्छा, बीजेपी को शक दूर हो जाना चाहिए, ठीक है ना? बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है, झूठे केसों में फंसा फंसा के लोगों को बंद कर सकती है, इसके अलावा इसके पास और कोई चारा नहीं है। पार्टी इस टाइम में बीजेपी हार चुकी है, पूरे देश में इसके वोट नहीं आ रहा, ज्यादा सीटें भी नहीं आ रही है, सरकार इनकी बन नहीं रही है, है? तभी तो मौन व्रत में चले गए 2 दिन के लिए, है? ये मौन व्रत में जाने का क्या मतलब? इतने दिनों से 10 साल से ये आदमी पूरे देश को परेशान कर रहा है और आज जाके 2 दिन के लिए मौन व्रत में बैठ गया तो उससे क्या हो जाएगा? पब्लिक को सहानुभूति मिल जाएगी? ये कुछ नहीं मिलने वाली। अब दिल्ली का माहौल क्या है अरविंद केजरीवाल के सरेंडर करने के? दिल्ली में सर क्या माहौल है अरविंद केजरीवाल के सरेंडर करने के बाद? ये माहौल तो पता नहीं, जो हो रहा है गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत। तो एक आदमी जो जनता की बात की जाए तो दिल्ली की जनता किस तरीके से इस चीज को देखती है? जनता ने अपना डिसीजन दे दिया है दिल्ली में, अभी तक का डिसीजन जो है सातों लोग सीटें साफ है, यहाँ से कुछ नहीं आ रहा है, दिल्ली की जनता ने फैसला दे दिया। ये तमाम यहाँ पे लोग हैं, नेता गण हैं जो यहाँ पे समर्थन में हैं अरविंद केजरीवाल के, बता दें अरविंद केजरीवाल यहाँ से जा चुके हैं और जिन्होंने सुबह सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए, उसके बाद राजघाट पहुंचकर बापू की समाधि पे श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पे जाके उन्होंने सभी को संबोधित भी किया। उसके पश्चात वो यहाँ पे प्याज जेल के लिए निकले थे और उन्होंने यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं अपने आप को सरेंडर किया। और बता दें यहाँ पे तमाम यहाँ पे नेता हैं जो उनके समर्थन में यहाँ मौजूद है, जो बाबा केजरीवाल के समर्थन में यहाँ पे नारे लगा रहे हैं और हाथ में तिरंगा लिए और केजरीवाल के नारे लगा रहे हैं। एक बार चलते हैं बातचीत के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया? देखिए जिस तरीके से ये लोग बेबुनियाद इल्जाम हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी पे लगा रहे हैं, 4 तारीख को इसका नतीजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। मोदी की तानाशाही सत्ता जा रही है और यहाँ पे इंडिया गठबंधन की पूरे देश में सरकार बन रही है। संभावना बताई जा रही थी कि गेट नंबर 3 से आएंगे, गेट नंबर 4 से, पर उन्हें गेट नंबर 1 से ही सरेंडर करवा दिया गया। तो उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी गेट से आप अंदर ले जाओ, जेल का मतलब तो जेल ही है, लेकिन जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल जी छूटेंगे एक ना एक दिन जी, इनकी तानाशाही खत्म होगी, देश की जनता को सब कुछ पता चल चुका है और ये ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है। तमाम जनता को देख सकते हैं किस तरीके से भारत केजरीवाल के समर्थन में नारे लगा रही है, सरेंडर करने का किस तरीके से देखते हैं केजरीवाल को सरेंडर करते हैं? ये बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, बीजेपी ने जो सरेंडर रखी है ना, तो उनको प्रणाम मिलेगा, बस एक आज 1 तारीख 2 तारीख है ना, उनको सब मिलेगा। मैं तो उनको दिल्ली की जनता इस चीज को किस तरीके से देख रही है? हाँ, बस 1-2 दिन और रह गया, आज कल बस यही। मैं बात करें केजरीवाल जी के समर्थन में, आप क्या आज केजरीवाल जी ने सरेंडर कर दिया, क्या कहना चाहेंगे?
उन्होंने सिलेंडर किया है देश के लिए और देश की जनता के लिए, और आगे जो भी है हम सब सभी साथ देंगे उनका। अच्छा, अगर बात करें अरविंद केजरीवाल, कहते हैं पहले वो गए हनुमान जी के मंदिर और साथ ही राजघाट और तमाम अपने नेताओं को संबोधित किया, और लोग क्या है इस चीज के पीछे भी वो राजनीति है कि वो मंदिर गए फिर राजघाट गए? नहीं, राजनीति इसमें क्या, उन्होंने देश के लिए सम्मान के लिए किया है। हमारे महात्मा गांधी जी का सभी सम्मान करते हैं, हम सभी करते हैं, उनके सम्मान श्रद्धांजलि देकर आगे जैसे भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी है उसी तरीके से यहाँ पे वो जनता के बीच में जनता के लिए जेल जा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे नेताजी ने दिल्ली से इन्हीं पंजाब तक उन्हें समर्थन मिल रहा है, और बात करें उन्होंने अभी आके सरेंडर किया है, जो समर्थन है दिल्ली वासियों का वो अरविंद केजरीवाल की तरफ। आप देखने वाला बड़ा विषय ये भी होगा कि आगे किस तरीके से सरकार चलेगी और आने वाली जो उनकी जमानत पे सुनवाई होगी उस पर क्या फैसला आएगा।